हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आज आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी लेके। सॉरी, रेसिपी नहीं, ये है व्रत के लिए सिंगाड़े की लपसी। साथ में मैंने बना ली है चाय। तो आप लोगों को पहले तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो ये देखिए, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, आज से नहीं कल से। तो ये वीडियो मैंने वैसे कल ही बना ली थी लेकिन डाल नहीं पाई, तो सोचा उसे आपके साथ शेयर की जाए। और ये मेरी सिंगाड़े की लपसी रखी है शिवरात्रि वाले दिन की, लेकिन शिवरात्रि को मैंने नहीं बना पाई तो रखा था आटा, तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी वीडियो शेयर की जाए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के यहाँ इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो सिंगाड़े की लपसी ही बोलते हैं। और सबसे पहले इसको हम ठंडे पानी में अच्छे से घोल लेंगे, और बिल्कुल भी गर्म पानी में नहीं घोलेंगे, नहीं तो इसमें थोड़े से लम्स वगैरह भी पड़ जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत कीजिए। तो ये देखिए, इसको हम सबसे पहले इसका तो अच्छे से घोल बना लेंगे। जैसे हम डोसा वगैरह के लिए नहीं बनाते, बस ऐसे ही हमको इसको एकदम पतला कर लेना है ठंडे पानी में। इससे क्या है, इसमें लम्स भी नहीं पड़ेंगे, और इससे क्या, हमारी लपसी एकदम बढ़िया टेस्टी बन के तैयार होगी। तो इसी स्टेज पे हम इसको रख देंगे अच्छे से बॉयल होने के लिए। और इसको मैंने ना इंडक्शन पर रख दिया है, आप चाहो तो गैस पे भी रख सकते हो, लेकिन स्लो पर बिल्कुल बनानी है, नहीं तो आपकी लपसी थोड़ी सी नीचे से जल सकती है। मेरी थोड़ी सी नीचे लग गई थी लेकिन जली नहीं थी, तो मेरी लपसी में कोई भी मतलब थोड़ी सी अलग हो जाती है ना जलने के बाद, लेकिन मेरी जल ही नहीं थी, बस थोड़ी सी नीचे से लग रही थी। तो मैंने गैस पे अच्छे से बना लिया और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बच्चे ने बोला आज लपसी खाना, उसे क्या ये लपसी बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ सिंगाड़े की लपसी ही बोलते हैं, या फिर सिंगाड़े का आटा भी बोल सकते हो आप, लेकिन इसको तो बनाने के बाद ये लपसी, या फिर सूजी का हलवा बोलते हैं ना, ऐसे इसको हलवा भी बोल सकते हो, अपने हिसाब से चाहे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो देखिए, साथ में डाल दिए मैंने 3 चम्मच चीनी, शुगर या शक्कर आप जो भी बोलते हो वो, क्योंकि कम मीठा बना रही हूँ ना, तो आप चाहो अगर ज़्यादा मीठा बनाते हो तो आप 5 चम्मच भी अच्छे से डाल सकते हो। तो ये देखिए, इसको चलाते रहना अच्छे से, चलाने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तो चलाने से ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा इसमें ना, तो आपको मतलब बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, थोड़ी सी थिक होती आ रही है कि नहीं, चला अगर आप चलाओगे नहीं तो ये थोड़ी सी नीचे से लग जाएगी, तो आपकी पूरी मतलब जो भी है हलवा है या आटा है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको चलाते रहना और वीडियो बिल्कुल भी इसके मत करना, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। और फिर से बता दूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में मैं डाल दूँगी मैं देसी घी 2 चम्मच भर भर के, अगर आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो, लेकिन मैं तो ज़्यादा ही घी डालती हूँ, और घी का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया है, क्योंकि ये हमारा घर का घी है एकदम शुद्ध, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर बाहर का हो तो दिक्कत आती। तो ये देखिए, अच्छे से बन चुकी है, और आप लोग ऐसा मत समझना कि ये कैसी है, ये थोड़ी सी टाइट है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं आपको अभी इसको एक थाली में ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ, पहले उसको थाली को मैं अच्छे से कर लूँगी ग्रीस थोड़ा सा घी लगा के, इससे क्या हमारी लपसी चिपकेगी नहीं और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो जाती। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले लगा दिया घी, और घी लगाने के बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी इसमें थाली में, और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसको ना अच्छे से हथेली से दबा दूँगी, इससे क्या हमारी एकदम लपसी में चिकनापन आ जाए, क्योंकि अभी ये गर्म है ना तो थोड़े हाथ जलने का दिक्कत है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, फिर उसके बाद मैं अच्छे से हाथ से इसको थपथपा दूँगी, इससे क्या है लपसी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए कितनी अच्छे से एकदम चिकनी बिल्कुल लग रही है ना आपको, बिल्कुल अच्छी टेस्टी। तो ठंडा होने के बाद मैं इसको अच्छे से एक चाकू से काट दूंगी, और मैंने थोड़ा काटने के बाद मैंने थोड़ा सा भोग रख दिया था ठाकुर जी के लिए, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी मिठाई वगैरह बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले भगवान का भोग लगाती हूँ। तो मैंने काटने के बाद थोड़ी सी मिठाई रख दी थी उनके पास,
क्योंकि वैसे भी आज वो नवरात्रि चालू हो चुकी है, तो कुछ भी बनाइए आप। उसके बाद आप प्लीज़ भगवान का प्रसाद जरूर निकाल के रखना और उसी प्रसाद को आप इसी में मिला देना, तो आपका प्रसाद कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हो चुकी हैं, एकदम बनी है ना, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी लग रही है कि नहीं। तो ओके, मेरी वीडियो हो चुकी है पूरी।